खाना होटल में सहूलियत दे रहे हैं। एयरपोर्ट के अतराफ चार चार मंजिला इमारतें बन रही हैं, जिन्हें फौरी तौर पर रोकना होगा। SBCA से भी पूछा जाएगा। एयरपोर्ट के अतराफ जितनी इमारतें इस वक्त बन रही हैं, उन्हें फौरी तौर से रुक जाना चाहिए। मेरी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, उससे मेरी दरख्वास्त है कि सुओ मोटो एक्शन के तहत भी वो इस मामले को देखें, क्योंकि इंसानी जिंदगियों का मामला है, न सिर्फ जो लोग जहाज में होते हैं उनका, बल्कि जो लोग ग्राउंड पे होते हैं, जो चौथे फ्लोर पे तीसरे फ्लोर पे रह रहे हैं, उनकी भी जिंदगियों का मामला उतना ही गंभीर है जितना लोग जहाज में मौजूद होते हैं। गवर्नर सिंह ने कहा कि तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट में जो जिम्मेदार हुए इसे कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए। इमरान इस्माइल रिजवान अहमद शहीद के भी घर गए और दुआए मगफरत की। कैमरामैन आकिब नकवी के साथ महमूद रियाज, 24 न्यूज, कराची। कसूर के इलाके खुजियां खास में दोस्ती ना करने पर पेट्रोलिंग पुलिस के कांस्टेबल ने 18 साल हाफिज कुरान नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने कांस्टेबल को हिरासत में ले लिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं, आसिफ कसूरी हमारे साथ हैं। आसिफ बताएगा मामला क्या है और कार्रवाई कहां तक पहुंची। जी मैं आपको बताता चलूँ, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया खुड़िया खास में पेश आया है, जहाँ पर 18 साल हाफिज कुरान संजू रहमान को मोहिना तौर पर पेट्रोलिंग पुलिस के कांस्टेबल मासूम ने फायर मारकर कत्ल कर दिया है। कत्ल की जो वजह बताई जा रही है वो है कि पुलिस मुलाजिम के साथ अनजायज तलका तस्वार ना करना है। पुलिस ने कांस्टेबल को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। शहर में इस वक्त 100 की सजा कायम है, जो इस वक्त शहर के अंदर गम व गुस्से का इजहार किया जा रहा है। पुलिस फिलहाल मसरूफ तफ्तीश है। जी तफसीलात में शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं डेरा इस्माइल खान की तहसील पुरवा में कंटेनर सड़क के किनारे जाने वाले राहगीरों